यह दो बीमारियां आपको कभी अमीर नहीं होने देंगी। तो आइए इसके बारे में बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग मेरे पास में आते रहते हैं। लोगों का यह रहता है कि हमें सफलता नहीं मिलती, हम बहुत काम करते हैं, हम अमीर नहीं होते, हमको पैसा नहीं मिलता। जब मैं उनको पूछता हूं तो मालूम पड़ता है एक एक उनके पर्सनैलिटी के प्रॉब्लम। मालूम है कुछ लोगों को एक प्रॉब्लम है, उसको बोलते हैं, एक बीमारी है उसको बोलते हैं क्रॉनिक टुमारो सिंड्रोम। क्रॉनिक टुमारो सिंड्रोम इसका मतलब क्या है? क्रॉनिक है वो, मतलब बहुत दिन से है। टुमारो है मतलब कल है, और सिंड्रोम मतलब एक बीमारी है। मतलब उनको यह है कि कल करने की बीमारी, वो बोलते हैं हम कल करेंगे। कुछ भी उनको बात बोलेंगे नहीं, अभी नहीं, अभी आलस आ गया, अभी जान पे आ गया, अभी वक्त बराबर नहीं है, अभी अपने तारे सितारे बराबर नहीं है, मैं ना अगले हफ्ते से करने वाला हूं। जिम कब लगाने वाले? जिम है ना, बस परसों से लगाएंगे या अगले हफ्ते से लगाएंगे। अच्छा, आपको सर्विस के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, कब चालू करेंगे ट्राई करना? कब अर्जी दाखिल? नहीं, कल करेंगे, बाद में करेंगे। अच्छा, आपको मार्केट में जाना है, कुछ खरीदी करना है, कब करेंगे? नहीं, बाद में करेंगे। मतलब उनका हरदम यह रहता है कि बाद में करेंगे, ये हरदम चीजें पोस्टपोन करते रहते हैं। हम कबीरा का दुआ है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्षणमय प्रलय होगा फिर करेगा कब। मगर ये लोग है ना, इसके पूरा उल्टा रहते हैं। कल करे सो आज करे नहीं है, आज करे सो अब नहीं है, कल करेंगे। ये लोग कैसा जीते मालूम है? ये लोग जीते कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है यारो, जीना है यहां बरसों, हरदम कल करेंगे वाला है। कुछ भी बोला नहीं, ऐसा है बच्चों को अच्छी ट्यूशन लगाने का है, नहीं बाद में देखेंगे, अगले बार देखेंगे, अगले हफ्ते देखेंगे, अगले महीने देखेंगे। कुछ भी करना है मतलब वो एक तो एक्शन लेने से डरते हैं, उनको आलस है, उनको फियर ऑफ फेल्योर है, अलग अलग कारण हो सकते हैं, मगर एक्शन लेते नहीं है, और उससे फिर उनको सफलता मिलती नहीं है। और बिना एक्शन नहीं उद्धार, एक्शन लिया नहीं तो आपका उद्धार होने वाला नहीं है, आपको पैसा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप रिजल्ट नहीं आएंगे, रिजल्ट नहीं आएंगे, पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, आप अमीर नहीं होंगे। दूसरी जो बीमारी है वो है 100% एक्यूरेसी सिंड्रोम। 100% मतलब 100%, एक्यूरेट अचूक मतलब बिना गलत का, बिना गलती का सिंड्रोम, मतलब जो भी करूंगा वो एकदम परफेक्ट करूंगा, और परफेक्ट के सिवाय कुछ नहीं करूंगा, जो भी मुझे करना है तो। और वो परफेक्ट के लिए रुकते रहते हैं, रुक जाते हो, मतलब मुझे ऑफिस अच्छा लेने का है मगर परफेक्ट ऑफिस जब मिलेगा तब मैं ऑफिस लूंगा। नहीं, मुझे जिम लगाने का है मगर परफेक्ट जिम जब मिलेगा तब मैं लगाऊंगा। नहीं, मुझे है ना शादी करना है, परफेक्ट लड़की मिलेगी तब मैं शादी करूंगा। कितने सारे लड़के लोग ऐसे हैं, लड़कियां भी ऐसी है कि वो परफेक्ट के चक्कर में सालों साल शादीशुदा हुई नहीं, मतलब शादी हुई नहीं उनकी। एक लड़की मुझे मिली 35 साल की लड़की, मतलब क्यों आपकी शादी नहीं हुई, बहुत साल हो गए मैं आपको देख रहा हूँ। नहीं बोले, मैं परफेक्ट हस्बैंड के चक्कर में हूँ, मतलब वो ढूंढ रही हूँ कि परफेक्ट हस्बैंड मुझे मिल जाए। मतलब आपको अभी तक हस्बैंड मिला ही नहीं परफेक्ट? नहीं बोले, एक आदमी मिला था जो मेरे हिसाब से परफेक्ट था, मगर उसने बोला कि मेरे लिए परफेक्ट बीबी है नहीं। तो परफेक्ट आपको कोई भी मिलता नहीं। लोगों को परफेक्ट ऑफिस चाहिए, परफेक्ट फ्लैट चाहिए, परफेक्ट बीबी चाहिए, बच्चा भी परफेक्ट होना चाहिए। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, लोग को ऐसे मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। मतलब जो भी हमारे सामने है वो नहीं चाहिए। और वो मैं मुझे मुझे किताब लिखना है तो वो परफेक्ट जब आऊंगा तब मैं लिखूंगा। मुझे कुछ बातचीत करना है, मुझे भाषण देना है, तो जिस दिन मैं परफेक्ट बोल सकूंगा उस दिन भाषण दूंगा। मुझे सवाल पूछना है या सवाल का जवाब देना है, जिस दिन मैं परफेक्ट करूंगा उस दिन ही करूंगा। मुझे भी ये बीमारी थी, मैं बहुत दिन से, कुछ साल पहले की बात है, मैं बोलूंगा नहीं नहीं मुझे जब परफेक्ट किताब मैं जब लिखूंगा तब मैं मतलब जब मुझे परफेक्ट किताब लिखने आएगा ना तब मैं परफेक्ट किताब पब्लिश करूंगा। और इस केस में मेरे साल दो साल निकल गए। फिर मैंने बोला भाई, जब मुझे पता चला कि मुझे ये बीमारी है तो मैंने बोला ये बीमारी से दूर होना है। मैंने जैसा भी मुझे नॉलेज है, जैसे भी मैं किताब लिख सकता हूँ और पब्लिश कर सकता हूँ, मैं कर दूंगा। और मैंने एक के पीछे एक 3 किताबें लिखी। मेरा ये विचार था, मैंने ठीक है परफेक्ट नहीं हुई, प्रॉब्लम हुआ, ठीक नहीं हुई, वो प्रॉब्लम मेरा थोड़ी, लोगों का प्रॉब्लम है, लोग देखेंगे बोलेंगे। वैसे हुआ, लोगों ने बोला नहीं आपने इसमें ऐसी दुरुस्ती करना चाहिए, वैसी दुरुस्ती करना चाहिए, ये ठीक करना चाहिए। लोगों ने उसको मुझे काफ़ी सारे सजेशंस दिए, वो मैंने अपनाए। अगले बार जब पब्लिश किया तो बेस्ट किताब थी। मैं जब यदि रुकता हूँ, रुकता था यदि कि नहीं परफेक्ट के लिए मैं रुकता था, परफेक्ट किताब मेरे से पब्लिश हो ही सकती नहीं थी। तो जैसा है वैसा ठीक है। परफेक्ट का होना है या 100% एक्यूरेट का होना है, या लाइफ एंड डेथ का सवाल है। मतलब मुझे सर्जन के पास में जाना है तो मैं बोलूंगा नहीं, 100% जो एकदम टॉप का सर्जन है ना, और परफेक्ट उसके पास में जाऊंगा, क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं। मुझे यदि
एरोप्लेन में जाने का है तो 100% एरोप्लेन यदि वो परफेक्ट होगा तभी मैं जाऊंगा, क्योंकि यदि एक भी परसेंट कम होगा तो मैं वो एरोप्लेन में हवाई जहाज में बैठूंगा नहीं। क्या लाइफ एंड डेथ का सवाल है, वहाँ 100% ठीक है, मगर जहाँ 100 वहाँ लाइफ एंड डेथ का सवाल नहीं है वहाँ काम की शुरुआत करना चाहिए। परफेक्ट होने के लिए कभी मत रुको, जैसा है वैसा ठीक है चालू कर दो, करते करते आपको एक्सपीरियंस आते जाएगा और आप अधिकाधिक अच्छे होते जाएंगे। एक पक्का है कि आप कभी परफेक्ट होंगे होने वाले है नहीं, होंगे नहीं, क्योंकि कोई चीज़ दुनिया में परफेक्ट नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एक तो है क्रॉनिक टुमारो सिंड्रोम कि जो भी करूँगा कल करूँगा, और दूसरा है कि 100% एक्यूरेसी सिंड्रोम कि जो भी करूँगा वो परफेक्ट करूँगा, परफेक्ट के सिवाय कभी नहीं करूँगा। ये दो यदि बीमारियाँ हम हमारे से निकाल देते हैं तो फिर कुछ भी संभव है, क्योंकि एक तो आदमी करता क्यों नहीं है, परफेक्ट के चक्कर में करता नहीं है या कल करूँगा करके, इन शॉर्ट क्या है एक्शन लेता नहीं है, और यदि एक्शन लेते नहीं रिजल्ट आएगा नहीं, कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो अमीर नहीं बनेगा। तो ये दो रोगों को, ये दो जो बीमारियां हैं इनको अपने पास में आने ना देना, और यदि अंदर घुसी हुई है तो जल्दी से जल्दी झटक डालो, निकाल डालो, और आप कुछ भी फिर आपके लिए संभव होगा और आप सचमुच अमीर बन जाओगे, दुनिया में आपको कुछ भी संभव होगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, क्योंकि लोगों को ये मालूम नहीं कि इनको ये दो बीमारियां हैं। आपके आजू बाजू में लोग घूमते होंगे होलसेल में कि जिनको ये बीमारियां है, उनको मालूम नहीं, आपको भी मालूम नहीं, जरूर आप शेयर करेंगे तो वे बीमारी मुक्त हो जाएंगे और अपने जीवन में काफ़ी सारी सफलता हासिल करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच।